अस्सलाम वालेकुम है गाइस, क्या हाल है? मेरे ख्याल में आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल बिल न्यूज़ सलाह सैयद में। क्या आप लोगों को पता है, आपने थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे आज किस चीज़ पर बात होने वाला है। जैसे मैं आपको फिर बता भी देता हूँ, आज इस चीज़ पर बात होने वाला है। ये फाउंडेशन का जो हमने कल PCC किया था कोटिंग का, और इससे पहले वाला वीडियो आपने देख लिया कि PCC मार्किंग कैसे होता है, जैसे वाइट वाला पाउडर डाल के हम लोग किए थे, आपने देखा पिछले वाले वीडियो में। तो अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, और उसमें देख लेना जाके। और तो वीडियो में आकर तक बने रहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक देना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब मैं सीधा चलता हूँ आपको लेके मार्किंग में। ये जो मार्किंग होगी, ये मार्किंग होगी RCC की। कल जो मार्किंग हुई थी वो PCC की हुई थी, जैसे PCC हो गया। अभी इसके ऊपर जो फिक्स माप है, जो फुटिंग का बॉक्स का, जो हम तो बॉक्स भी बोलते हैं, कोई फुटिंग बेचे थे, फुटिंग नाम इसका, और पता नहीं आपके इलाके में क्या बोलते होंगे इसको। तो अभी इसका माप करते हैं। ड्राइंग में जो लिखा हुआ उसके सेम माप होगा, लेकिन बस इसमें देखने का क्या होता है। मैं कल भी आपको समझाया था कि कॉलम से दोनों साइड बराबर आना चाहिए, दूसरा वाला साइड भी दोनों एक नाप होना चाहिए, ऐसा ये इसका सिस्टम है, रूल है, ठीक है ना। इसमें कॉलम 20x60 के भी हैं, 20x70 के भी हैं, ठीक है। और अब चलते हैं सीधा मार्किंग में। जैसे अब कल जो हमने गोनिया किया था राइट एंगल के, अभी फिर दोबारा राइट एंगल करेंगे, फिर नीचे उतारेंगे। अभी जो नीचे उतारेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, परफेक्ट करेक्ट होना चाहिए। तो गाइस, ये बार बार में राइट एंगल निकालने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, इससे पहले फर्स्ट में एक बार निकाल लेते फिर सही हो जाता है, लेकिन इसमें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो इधर हम लोग ये जो रखा था ना ब्लॉक ताबुक, ये हिल गया था, इसकी वजह से दोबारा निकालना पड़ रहा है। बाकी एक बार ही निकालना चाहिए। जब इससे पहले क्या करना चाहिए, बाउंड्री है ना, बाहर का बाउंड्री जो है लकड़ी चारों साइड का, वो बाउंड्री पहले लगा के बाद में ही गोनी निकालना चाहिए। PCC मार्किंग जो करते हैं पहले, वो उस टाइम पहले रेडी होने के बाद में ही करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पर वो नहीं थी, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी वगैरह नहीं थी। जो गाड़ी वाले को फ़ोन किया था तो वो बोलता है टाइम नहीं आज देने के लिए। तो जब आप भी कभी काम शुरू करो तो बाहर का बाउंड्री जो है ना वो पहले फिक्स कर लो, उसके बाद में ही राइट एंगल निकालो, तो बार बार में आपको डेली निकालना नहीं पड़ेगा राइट एंगल, ठीक है ना। अब क्या करने का, ये जो ऊपर वाला राइट एंगल है नीचे उतारने का है, ठीक है, नीचे उतार लेते हैं, फिर दोबारा नीचे गोनिया निकालेंगे, बड़ा माप करके गोले निकालेंगे, उसमें पता चल जाएगा सही है थोड़ा बहुत गड़बड़ है नहीं है। अब ये इधर वाले में निशान लगा नीचे उतार लेते हैं। बिन जल्द में 12 करा ने, हाँ तो बिन 9 4.70, 1.50, हाँ 1.50, 2 मीटर, 3.20, थोड़ा सा 3.20 थोड़ा इन्हों जा, बस 3.20, 5.70, 4.50, लास्ट थोड़ा बाहर निकाल, ओए हाथ बाहर निकाल, बस 4.50। अभी ये वाला मार्किंग हो गया पूरा, अब यही सेम माप उधर जाएगा। पहले कितना था, 2.20, 2.50, 2.30, हाँ 2, अब 3.20, कितना 5.70 कर दिए, 1.20 कर रहा है न,
अभी जो पहले मार्किंग कर लिए थे ना, अभी उनको प्लस बना देंगे। प्लस कैसे बन जाएगा, ये हो गया प्लस। प्लस आ रहा है उधर से, कॉलम स्टार्ट होगा, जो बड़ा साइड जा रहा है उस कॉलम का मुंह इधर जाएगा, ठीक है। तो प्लस से 10 सेंटी कॉलम पीछे जाएगा, बाकी जितना बड़ा है इधर आएगा। और जो दो लाइन दूसरी लाइन हो रहा है उससे आधा 10 सेंटी उधर जाएगा, 10 सेंटी इधर जाएगा, ठीक है। अब ये बॉक्स का निशान लगा देते हैं। ये F3 का है, या 1 मीटर कर रहा है ना, 1 मीटर लंबा, 1.40 और पीछे का 90, 2.30 बाई 2 मीटर की हो जाएगी। अभी ये दो साइज का बॉक्स है ना, 1.25, 85 और 90, 90, ठीक है। और ये निशान लगाने के बाद में देखो किला मार दिया जाता है। अभी जो किला लग गया ना, ये बॉक्स का कोना हो गया। इसके बाहर बाहर से चाहे सेटरिंग करो चाहे ताबुक लगाओ। 20 सेंटी हम कंक्रीट ज़्यादा क्यों रखा है, ताबुक लगाने के, इसके ऊपर से ताबुक आएगा ना इसके लिए। और अगर ताबुक का दीवार नहीं होता है, खाली सेटरिंग होता है, तो 10 सेंटी दूर रखते हैं PCC। देख लीजिए चार हो गए ना, चार निशान लगा। फिर जो ये निशान आ रहा है ना प्लस, ये प्लस से 10 सेंटी कॉलम इधर आएगा, और अगर 60 का है तो 50 सेंटी उधर जाएगा, अगर 17 कॉलम है तो 60 सेंटी आगे जाएगा। अब इसके कॉलम को भी 4 किला मार दूंगा तो सही कर दूंगा इसको, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देख लीजिए ये जो कॉलम है, इसमें C3 का, C3 का कॉलम 70 सेंटी का है, तो वो प्लस से 10 सेंटी इधर निशान लगा दिया और पीछे, और 60 सेंटी आगे लगा दिया, तो 17 का कॉलम हो गया। ये जो लाइन है ये अपना सेंटर का लाइन है, जो हम लोग बाहर जब कॉलम खड़े करने में डोरी बांधेंगे इंजीनियर को चेक कराने के लिए, तो ये जो 10 सेंटी बाहर लगाया निशान, इस पर डोरी बांधेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी ये चार निशान किला जो मार दिया है, मैं चार कॉलम का जो हो गया कॉलम का कंक्रीट का है, ये इसलिए है कि इस पर जब पेंट मारेंगे, वो जो काला वाला ट्रेंड पेंट होता है ना, पॉलीकोट पॉलीबीट बोल दो उसको, वो मारेंगे तो ये जो लाइन बना है प्लस, ये प्लस तो छिप जाएगा, दिन किला नजर आएगा। जब जाली डाल के जो कॉलम खड़ा करेंगे स्टील, तो उसके हिसाब से नीचे खड़ा कर देंगे, ऊपर डोरी बांध देंगे, तो फिर बराबर सोल में आएगा। और जब ये नीचे वाला किला नहीं मारेंगे तो खड़ा करने का टाइम बहुत लगता है सोल देखने के लिए जिस टाइम में। ये देख लो, पहले जो चारों साइड अकेला था उसके बाहर बाहर से भी ताबुक लग गया। अभी जो अगर PCC में, अगर कंक्रीट में थोड़ा अगर स्लोप था, सीधा नहीं था, तो ब्लॉक लगाने के टाइम में थोड़ा सा सीधा कर सकते, जैसे हम जो ये साइड थोड़ा ऊंचा है तो वो साइड थोड़ा नीचे, तो उधर थोड़ा मसाला ज़्यादा रख लो, इधर थोड़ा मसाला कम रख लो, ये साइड में कम रख लो, उधर ज़्यादा रख लो, तो ऊपर से ताबुक लेवल में हो जाएगा। जब कंक्रीट करेगा ना उसका, इसको जब कंक्रीट भराई करेगा तो ऊपर से कंक्रीट तो सीधा होएगा ना अपने लेवल में, उस टाइम पता चलेगा, इसलिए इसको लेवल में कर लें।